जम्मू कश्मीर के रियासी में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले को देखते हुए कटरा में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। माता वैष्णो देवी के मंदिर में रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा CCTV से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। एक 3-tier सिक्योरिटी ग्रिड इन प्लेस है जिसको रूटीन बेसिस पर रिव्यू किया जाता है, जिसके अंदर पुलिस, CRPF और श्राइन की खुद की सुरक्षा नफरी जो है वो लगातार तैनात है और कंटिन्यूसली इस सिस्टम को रिव्यू भी किया जाता है, खास करके इस महीने में जहाँ पे जो है पीक यात्री फुटफॉल हम देखते हैं। अगर हम इस साल की भी बात करें तो तकरीबन 45 लाख यात्री श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ चुके हैं और पिछले 3 दिनों में भी 1.25 लाख से ज़्यादा यात्री दर्शन के लिए पधारे हैं, और इसलिए सुरक्षा के जो इंतजाम आते हैं वो कड़े से कड़े करने के लिए लगातार हमारी रूटीन मीटिंग्स भी रहती हैं और रूटीन रिव्यूज भी किए जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक इस साल 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे बंदोबस्त बहुत अच्छा है। लास्ट वीक जो भी इंसिडेंट्स हुए थे ऐसा कोई घबराने की बात है नहीं, यहाँ पे आप सेफली आ सकते हैं। आर्मी बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पे अभी हजारों लाखों की संख्या में दर्शन आए हुए हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी अच्छे से आ सकते हैं। माता का बुलावा आया था, हम सही सलामत यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ है, यहाँ का माहौल पूरा नॉर्मल है। हाँ, कुछ इंसिडेंट हुए थे पिछले हफ्ते, लेकिन पुलिस और आर्मी वाले सब अच्छे तैनात है, सब चाक चौबंद है, बहुत अच्छा है, दर्शन अच्छे हुए है, माता रानी का आशीर्वाद है जी। कोई खतरा नहीं है, पुलिस तैनात है, सिक्योरिटी तैनात है, माता पे आस्था रखो, आओ एंजॉय करो। आतंकवादियों ने हाल ही में जम्मू में कई जगहों पर हमला किया था। रियासी में आतंकवादियों ने शिवखोड़ी मंदिर से कटरा आ रही तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला किया। पिछले हफ्ते आतंकवादियों ने कठुआ और डोडा जिलों में भी हमला किया था।